नमस्कार, तुसी वेख रहे हो पंजाब टीवी प्राइम। नशियां दी बीमारी ने तकरीबन हर मुल्क नूं तबाही दे कंडे ते खड़ा कर दिता होया है। पंजाब उड़दा पंजाब बन रहा है। नशे दे विच लखां ही जवानियां हर साल तबाह हो रही हैं। नौजवान पीढ़ी इस प्रकोप दे विच ग्रस्त हो चुकी है। बिरला ही नसीबा वाला कोई घर होगा जिथे परिवार नूं इस करोपी का सेक ना लग्या होवे। जागो भारत का सुनेहा लैके नंगल दे स्कूलां दे विच पुजे डॉक्टर नीलू ने कहा कि अफसोस है, साढ़े कल दे वारिस नौजवान पीढ़ी कुराहे पई जा रही है। नौजवान पीढ़ी नशियां की पूर्ति लई अपराधां, कतलां, लुट्टां, चोरियां ते डाकियां की ओट लै रही है। वैसे तो नशियां की बीमारी का असर हर मनुख उपर ही हो रहा है, पर सब तो वध प्रभाव औरत वर्ग उपर दिखाई दे रहा है। हसदे खेडदे घर उजड़ रहे हैं। औरतों की शोषण, लुट्टां खोहां, घरेलू झगड़िया, आपसी मार कुटाइया, बलात्कार ते तलाकां ने खुशी खुशी बसदे घरां नूं खेरू खेरू कर दिता है। खास करके सूबे दे नौजवान पीढ़ी ते विद्यार्थी वर्ग नूं हलूणा देण अते जागरूक करन दी लोड़ है, तां कि ओह वी इस समस्या दे हल दे लई अपना योगदान पा सकन। नंगल दे सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल कथेड़ा अते सरकारी कन्या सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल नंगल विखे पुज के उन्होंने जागो भारत राही नशा खत्म करने के लिए युवावां दा साथ मंगिया ते किवें ओह इस लई काम करनगे इस बारे अपने विचार पेश कीते। उत्थे स्कूल दे सारे बच्चियां ते स्टाफ ने एक कसम भी खाधी कि असीं ना कदे नशा करांगे अते ना ही नशा करन देवांगे। इस मौके प्रिंसीपल खतेड़ा स्कूल मैडम परमिंदर कौर, प्रिंसीपल कन्या सीनियर सैकेंडरी स्कूल नंगल मैडम विजय बंगला ते बच्चों ने नशा छुड़ाउण दी मुहिम दे विच पूरा साथ देण दी गल करदे होए जागो भारत दी पूरी टीम दा धन्नवाद कीता। इस मौके जागो भारत दी टीम दे डॉक्टर नीलू, कैप्टन संतोख सिंह, वंदना कौशल, भुपिंदर सिंह आदि भी इस मौके उत्ते हाजिर सन। नंगल तों पंजाब टीवी प्राइम दे लई रकेश राणा दी रिपोर्ट। एक नॉन प्रॉफिट संस्था एस्टैब्लिश की है जिसमें मैं आप जैसे लोगों की तरफ पहुंचना चाहती हूं, आप जैसे लोगों की ओर आना चाहती हूं, ताकि इसी उम्र से हम आपको वो शिक्षा प्रदान कर सकें जिससे आपको पता लगे कि सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो आपको बना सकता है और जो बिगाड़ सकता है, और उस व्यक्ति का नाम है तुम। आप ये कंट्रोल रखते हैं कि आपको आपकी जिंदगी को कहां लेके जाना है। आप ये कंट्रोल रखते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी की यात्रा को, जर्नी को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। लेकिन आकर के भारत में मुझे बहुत अफसोस हुआ, और सबसे ज्यादा अफसोस पंजाब में आकर के हुआ, जहां पता लगा कि इन नशों और इन नशीले पदार्थों ने इस पूरी जनरेशन को बर्बादी के रास्ते की ओर खड़ा कर दिया। और सबसे ज्यादा अफसोस तब लगा जब ये पता लगा कि जानते हुए भी कि इस तरीके के व्यवहार, इस तरीके के बिहेवियर के क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं हमारी लाइफ में, फिर भी आज की जो युवा पीढ़ी है वो इन नशीले पदार्थों की ओर चल पड़ी। तो हमारा जो मेन उद्देश्य या मकसद है इस वक्त, सिर्फ आप लोगों को एक एजुकेशन और अवेयरनेस देना, और वो ये 15 मिनट के भाषण में नहीं हो सकता। इसलिए हम ये आपकी मैडम प्रिंसिपल के साथ प्रपोजल ले करना चाहते हैं कि मैं आपके इस स्कूल में वादा कर एक क्लब बनाना चाहती हूँ। वादा आप हिंदी वाला वादा समझ लो, या वादा जो आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की पॉलिसी नशा मुक्त भारत के अलाइनमेंट में है, वादा इज विक्ट्री अगेंस्ट ड्रग अब्यूज। उस क्लब के जरिए हम यहाँ पर इसको एस्टैब्लिश करके आउटरीच करेंगे, आपको एजुकेट करेंगे कि ड्रग्स होते क्या है। एक बात याद रखना, जब आप नशा करते हो तो वो सिर्फ पदार्थों का नशा नहीं होता, वो बिहेवियर और दिमाग का नशा भी होता है। पहले आप दिमाग से अपाहिज बनते हो। जब आप दिमाग से हैंडीकैप होते हो तब उसको दूर करने के लिए आप नशीले पदार्थों का साथ लेने लग जाते हो, उनके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कायम कर देते हो। तो क्लब में हम आपको एजुकेशन देंगे, ड्रग्स क्या हैं, ड्रग्स के सिम्टम्स क्या होते हैं, ड्रग्स को यूज करने की डिसएडवांटेजेस क्या होती है, और जो लोग इस रास्ते पर चल पड़े हैं उनको हमें उस रास्ते से बाहर कैसे निकालना है। इसके लिए हम एक हेल्पलाइन एस्टैब्लिश करेंगे, आप ही के बच्चों को मैं ट्रेनिंग दूंगी, ताकि क्योंकि जो पीयर काउंसलिंग होती है, बच्चे से बच्चा, स्टूडेंट से स्टूडेंट, फ्रेंड से फ्रेंड, उससे बेहतर थेरेपी कोई भी वर्ल्ड में नहीं होती।
तो वो हम ट्रेन, मेरे वॉलंटियर्स आपको ट्रेन करेंगे, मैं आकर के खुद पर्सनली ट्रेन करूंगी। और जब वो क्लब ऐसा एस्टैब्लिश हो जाएगा जहां बच्चे आकर के सिर्फ अपनी नहीं अपने घर और परिवार की बातें भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका एनवायरमेंट और आपका माहौल है जो आपको इन बिहेवियर्स की ओर लेकर के जाता है। और तीसरी एक्टिविटी फिर हम उसमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट की एक्टिविटी करेंगे, जो अभी इस टाइम इंडिया में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। चाहे आप एक छोटे स्कूल में पढ़ रहे हो, स्मार्ट स्कूल बाहर लिखा है, लेकिन आज भी अगर आप बड़े शहरों के बच्चों के सामने जाते हो तो आपके अपने मन में एक अलग तरीके का कॉम्प्लेक्स आने लग जाता है। उस कॉम्प्लेक्स को कैसे दूर करना है, उस भावना को कैसे ओवरकम करना है, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आप लोग उन बच्चों से वे स्मार्टर हो, लेकिन सिर्फ क्योंकि एक कम्युनिकेशन का जो साइकिल है वो एक कॉम्प्लेक्सिटी की तरह वजह से आप बोल नहीं पाते, उस कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना है। तो नटशेल में ये जो क्लब है वादा, वादा क्लब जो है, इसके लिए मैं वादा करती हूं कि आपके इस स्कूल में आउटरीच ड्रग एजुकेशन की, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ योर स्टूडेंट्स और कई तरह की और एक्टिविटीज कोलैबोरेट करके, जिसमें आप भी दिलचस्पी रखें और हम भी दिलचस्पी से उन सर्विसेज को प्रोवाइड करें, तो ये वादा क्लब का मेन ऑब्जेक्टिव उद्देश्य होगा। भारत जागो का मैसेज लेके डॉक्टर नीलू पहुंचे सीगे, और किमें देख रहे हो, किमें बच्चे नाल गलबात हुई है, किमें बच्चे नाल रिस्पॉन्स सीगा, स्टाफ का किमें सीगा, किमें देख रहे हो तुसी जरा वो मिशन लेके चल रहे हो? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम परविंदर कौर, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, स्मार्ट स्कूल कथेड़ा। अज डॉक्टर नीलू मेरे स्कूल आए हैं, उन्होंने नाल उन्होंने टीम आई है जागो भारत का मोटिव लैके। उन्होंने जो टॉपिक कवर किए है कि एक तो नशे के उत्ते नशा मुक्त भारत जो है उसके उत्ते, एंड उस तो बाद जनरल अवेयरनेस रिगार्डिंग सोशल इवल्स उसके बारे भी दसिया है। और उन्होंने बहुत अच्छी तरह स्टूडेंट्स को गाइड किया है, और लैक्चर जो बच्चों को दिता बच्चे बहुत मोटिवेट हुए हैं। सब तो अच्छी चीज़ जो मैनू लगी है उस अंदर कि भी आफ्टर उन्होंने लैक्चर बहुत सारे बच्चे उन्होंने को आए और उन्होंने आके उन्होंने मतलब उन्होंने बारे पूछे, और ये उन्होंने बच्चों ने मतलब अपना इंटरस्ट डेवलप किया कि भी उन्होंने बच्चों लग गया कि असी दे अंदर जुड़िए, जो कि सब तो बैटर मैनू लग्या। तो मैं मैडम नीलू और सारे मैंबरस का अपने स्कूल वालों, स्टाफ वालों और अपने स्टूडेंट्स वालों थैंक्स करांगी। थैंक यू।